हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जोई द ड्रीमर। सो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ। बिकॉज आज की डेट में बहुत ज़्यादा बाहर एयर पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं और बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर हो रखा है, जिसकी वजह से व्हेन वी गो आउट, स्पेशली व्हेन द मेकअप इज ऑन, तो हमारे मेकअप के साथ हमारे स्किन में बहुत ऐसी डस्ट होती है, बहुत ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो स्किन में एंटर कर जाते हैं। सो वी हैव टू क्लीन इट रेगुलरली आफ्टर वी केम होम बैक, एंड हमें बहुत अच्छे से अपने फेस को क्लीन करके ही अपने बेड पे जाना चाहिए। सो मैं ये चीज़ रेगुलरली फॉलो करती हूँ, एंड आज मैं ये बताने वाली हूँ कि मैं अपना स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना पूरा रूटीन फॉलो करती हूँ, एंड फ्रॉम द फेस क्लीन अप टू एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू ऑल। सो चेक दिस वीडियो टिल द एंड, इफ यू फाइंड इट सुटेबल फॉर यू एज वेल, सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग दिस नाइट केयर रूटीन, एंड yeah, you can just start with your routine because it's never too late to do this. So yeah, so let's get started with the video. So first of all, I'm gonna change my outfit because I need to be more comfortable while doing this routine. So I'm gonna wear some nightwear and then we'll come back to you. So maine apna nightwear pehen liya hai. So now I'm ready to go ahead with my night skincare routine. So if you like this video, please do hit like, share and subscribe to my channel as well, so that you can easily get the notifications whenever I'll be posting new videos, and hit the bell icon as well. So yeah, so now first of all I need to clean up my face thoroughly. So main abhi makeup utarne wali hu, so uske liye main makeup remover pad use karne wali hu. I'll be using this Milagro Beauty का makeup remover pad. इसको थोड़ा सा पानी में dip करना होता है, और जब ये पूरा का पूरा पानी इसमें soak up हो जाए, and then you can just clean your face with this. Only water, nothing else needed here. Nothing like no makeup remover balm or no makeup remover is needed. सिर्फ पानी के साथ आप इस pad को use कर सकते हो, और ये pad काफ़ी time तक चलेगा. So yeah, so I'm gonna use this and इससे मेरा face बिल्कुल clean हो जाता है, and yeah, you can just also check this out. I'll share the link below as well. Okay, so we'll start cleaning up now. So as you can see here, बहुत अच्छे से ये क्लीन अप हो जाता है फेस, आईज, वट एवर हैवी मेकअप यू आर कैरिंग, आप इजिली इसको ओनली विद वाटर एंड दिस पैड यू कैन ईजिली रिमूव इट, एंड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जेंटल है आपकी स्किन के लिए, सो यू कैन ईजिली गो विद दिस. किसी भी स्किन टाइप के लिए बहुत बहुत सुटेबल है ये माइक्रोफाइबर से बना हुआ मेकअप रिमूवर पैड फ्रॉम मिलाग्रो ब्यूटी. टू सी ऑल द मेकअप इज हेयर नाउ, सो माई मेकअप इज ऑलमोस्ट क्लियर. नाउ आई नीड टू जस्ट वॉश माई फेस विद अ गुड फेस वॉश. सो वट एवर फेस वॉश यू यूज फॉर योर स्किन टाइप, यू कैन यूज इट एंड जस्ट क्लीन योर फेस थरली फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, सो दैट ऑल द डस्ट पार्टिकल्स गेट क्लियर. So I'm gonna do it. First of all, I need to tell you, like, I am using this Mamaearth ka rice face wash with rice water and niacinamide in it. ये बहुत बहुत ही smooth and soft है skin पर, plus ये आपकी skin को बहुत अच्छा glow भी देता है, so you can just try it out. बहुत बहुत अच्छा result है इसका. So मैं ये बहुत regularly use करती हूँ, बहुत frequently use करती हूँ मैं इसको. सो यू कैन जस्ट ऑल्सो ट्राई दिस आउट. ये मामाअर्थ का राइस फेस वॉश है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड ये बेसिकली अच्छे से हाइड्रेट भी करता है स्किन को,
राइस वाटर स्पेशली स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए होता है, प्लस नायासिनामाइड स्किन को थोड़ा हाइड्रेट करता है, प्लस आपकी जो स्किन में किसी भी तरीके के स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको भी धीरे धीरे ये लाइट करता है। सो इसलिए मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन B3 भी है, सो इट्स अ ग्रेट एडवांटेज। सो या जस्ट गो फॉर इट। सो आई हैव क्लीन अप माई फेस विद द फेस वॉश, सो नाउ इट्स टाइम फॉर टोनिंग योर फेस। टोनिंग करना फेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये आपके फेस को बिल्कुल बहुत अच्छे से टोन कर देता है, बहुत ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टोन, बहुत ज़्यादा फर्म हो जाती है, एंड या यू कैन जस्ट गो विद इट। सो आई विल बी यूजिंग दिस टोनर फ्रॉम द क्लिनिक, क्लिनिक ब्रांड का ये टोनर मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। तो ये अच्छा क्लैरिफाइंग टोनर है, एक्सफोलिएटर है एक तरीके से, आप इसको दिन में दो बार यूज़ कर सकते हो, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग एज वेल। सो मैं यहाँ पे ये वाला टोनर यूज़ करने वाली हूँ। सो या यू कैन जस्ट टेक, यू कैन जस्ट टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट ऑन द कॉटन एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई ऑन योर फेस डायरेक्टली। सो आपको इसको इस तरीके से लगाना है अपने फेस पे। यू कैन यूज कॉटन फॉर एनी काइंड ऑफ टोनर, जब भी आपको टोनर अप्लाई करना है, या फिर आप मिस्ट भी अप्लाई कर सकते हो, जो स्प्रे और टोनर्स होते हैं आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। जस्ट स्प्रे इट ऑल ओवर योर फेस एंड यू जस्ट लेट इट सिट ऑन योर स्किन। ओके, सो मैं यहाँ पे बिकॉज ये स्प्रे नहीं है सो इसलिए मैंने इसे कॉटन पे लिया है और उसके बाद मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। सो मेरा फेस भी अब अच्छे से टोन हो गया, और कोई भी इस पर अगर डर्ट है आपके फेस पे तो वो भी अच्छे से इसमें से निकल जाता है। सो अब टाइम है सीरम का। तो आप सीरम चूज़ करने में आप अपनी स्किन टाइप के लिए कैसा भी सीरम चूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एक्ने प्रोन है, आप उसी हिसाब से अपना सीरम चूज़ कर सकते हो। तो आपको ट्रीटमेंट वाला, लाइक स्किन ट्रीट करना है आपको, कुछ भी करना है, तो आप वो ट्रीटमेंट वाला सीरम भी चूज़ कर सकते हो, सो दैट इट कैन सिट ऑन योर स्किन द होल नाइट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पर जो सीरम यूज़ करने वाली हूँ That is an exfoliating serum. So ये serum है Nature's Essence का Facialist Daily Exfoliating Serum. मैं link इसका भी description box में दे दूँगी। इसमें 5% AHA है, तो ये मेरे skin को basically treat करता है, and जितने भी मेरे face पे एक्नेज हैं, मार्क्स हैं, ये उसको रिड्यूस करेगा, प्लस ये एक्सफोलिएट करता है स्किन को बहुत अच्छे से और आपकी स्किन को और बेटर बनाता है। आई एम गोना अप्लाई इट एंड आई यूज इट डेली बेस ऑन अ डेली बेसिस इन द नाइट इटसेल्फ, सो दैट ये अपना काम अच्छे से कर पाए। सो मैं इसके भी कुछ ड्रॉप्स लूँगी और इसको मैं डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। सो टोनिंग इज़ डन, सीरम इज़ ऑल्सो डन, लाइक एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू वॉन्ट टू डू, तो आप टोनिंग के बाद अपना वो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। बिफोर मॉइस्चराइजर आपको ये यूज़ करना होता है। सो नाउ विल सिंपली गो टू द मॉइस्चराइजिंग पार्ट। तो मैं मॉइस्चराइज करने के लिए जो नाइट क्रीम यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर, जो मुझे बहुत सुटेबल लगता है अपने लिए, तो आई एम यूजिंग दिस रेडियंट फेयरनेस नाइट क्रीम बाय VLCC। सो मैंने ये VLCC से ही लिया था व्हेन आई वाज गेटिंग ट्रीटेड ओवर देयर। सो ये नाइट क्रीम बहुत बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा नाइट क्रीम है ये। तो ये भी आपके फेस को रेडियंस देगा। या
सो आई एम गोना अप्लाई इट, जिससे मेरी स्किन काफ़ी फर्म भी रहती है, काफ़ी सॉफ्ट भी रहती है ओवर द नाइट, एंड ये काफ़ी अच्छा ग्लो देता है लाइक व्हेनेवर आई लाइक जब भी मैं सुबह उठ के अपना फेस वॉश करती हूँ उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत अच्छा ग्लो आता है. सो इसलिए इसको मैं डेली अपने नाइट स्किन केयर में यूज़ करती हूँ. मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, भले ही आपका स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है या ड्राई है, ड्राई को तो बहुत ज़रूरी है, प्लस ऑयली स्किन के लिए भी मॉइस्चराइजर बहुत बहुत ज़रूरी होता है. लाइक आई हैव परफॉर्म द CTM, सो मैंने क्लेंजिंग कर लिया है, मैंने टोनिंग कर लिया है, मैंने मॉइस्चराइजिंग भी कर लिया है, प्लस मैंने सीरम भी अप्लाई किया है विच इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर माई स्किन. सो वो ओवरनाइट अपना रिजल्ट दिखाएगा. नाउ आई विल डू समथिंग फॉर माई आईज ऑल्सो, अंडर आईज ऑल्सो. सो अंडर आईज के लिए मेरे पास यहाँ पर एक आई पैच है विच आई एम गोना यूज. तो ये आई पैच है जो मैंने मिनीसो से लिया था. सो अंडर आई पैच है, प्लस इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत मॉइस्चराइजिंग है, बहुत सूदिंग है. ये आप अपने आईज के नीचे थोड़ी देर के लिए अप्लाई करके रखो और उसके बाद आप उसे रिमूव कर सकते हो. बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये. यू कैन ऑल्सो ट्राई एनी काइंड ऑफ आई पैच ऑन योर आईज. आपको इसको इस तरीके से प्लेस करना है, उसके बाद इसको स्प्रेड करके छोड़ देना. और जो भी एक्सेस सीरम है वो आप अपने अपर आईलेट्स पे भी लगा सकते हो और अपने हैंड्स पे भी लगा सकते हो, बिकॉज इट इज जस्ट अ सीरम, तो इट विल नेवर हार्म योर स्किन. एंड फॉर माई लिप्स एज वेल, मैं अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करके रखती हूँ ऑलवेज. सो मैं यहाँ पर रिकोड का लिप स्लीपिंग मास्क यूज कर रही हूँ. तो इसमें विटामिन ई है विच इज वेरी वेरी गुड फॉर योर लिप्स. सो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है मेरे लिप्स को ओवर द नाइट, और ये बहुत बहुत अच्छा है, इफ़ेक्टिव है. सो मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, मैं दिन में रात में कभी भी मैं इसको लगा सकती हूँ. एज अ लिप बाम होता है ये, एंड इट विल ईजिली मॉइस्चराइज योर स्किन. आपके चैप्ड लिप्स हैं, कुछ क्रैक्ड है, तो आप इसको ज़रूर ज़रूर यूज़ कर सकते हो. ये रिकॉर्ड का लिप स्लीपिंग मास्क है, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. So you can easily get and purchase it. So now, if you want कि आपके hairs भी अच्छे रहें, so you can just do once or twice in a week. You can use any kind of hair oil which suits your hair. और आप अपने hair पे वो oiling कर सकते हो, so that अगले दिन जब आप उसको धोगे तो आपके hair जो है वो काफ़ी nourish रहें, soft रहें, सफल रहें. और मैं भी अपने hairs को आज मैं ऑयलिंग करने वाली हूँ, सो बिकॉज कल मुझे इसको वॉश करना है. सो मैं आज अपने हेयर ऑयल कर लेती हूँ, सो दैट ईजिली वो ओवरनाइट आपके स्कैल्प में स्टे करेगा. एंड रात को ओवरनाइट इसको ज़रूर ज़रूर लगाओ. अगर आपके हेयर ड्राई हैं, फिजी हैं, यू कैन ईजिली गो अहेड एंड स्टार्ट अप्लाइंग हेयर ऑयल, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है when you will shampoo your hair. So बहुत बहुत इफ़ेक्टिव रहता है. सो मैं यहाँ पर आज हेयर ऑयल यूज़ करने वाली हूँ. ये पतंजलि का ही आलमंड हेयर ऑयल है, केश कांति, पतंजलि केश कांति आलमंड केश तेल. सो बेसिकली ये बालों को बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मेरे बालों को स्पेशली, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, कंडीशन कर देता है आपके हेयर को, और हेयर फॉल में भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. बहुत मतलब जिसके ज़्यादा हेयर फॉल है वो इसे यूज़ कर सकता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा. सो मैं अभी इसको अप्लाई करने वाली हूँ.
और यू कैन जस्ट डू वन मोर थिंग हियर, लाइक अगर आपको और अच्छे रिजल्ट चाहिए आप ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके भी यूज कर सकते हो. You can also try this fur scalp massager brush, जो कि बहुत अच्छा एक्सफोलिएट करता है स्कैल्प को. और हेड मसाज के टाइम पे, शैम्पू करते टाइम, शैम्पू, कंडीशनिंग, इन सब चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हो. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये. मैंने ये इंस्टाग्राम पे ही देखा था, सो आई हैव जस्ट परचेज इट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव है ये. बहुत ज़्यादा आप ऑयल करने के बाद अपने हेड को अच्छे से इससे मसाज कर सकते हो खुद ही, एंड आप शैम्पू के टाइम पे भी कर सकते हो, कंडीशनिंग के टाइम पे भी कर सकते हो. सो बहुत अच्छे से ये रेगुलेट करता है ब्लड को और अच्छे से आपकी स्किन को, स्कैल्प को सूट करता है. बहुत अच्छा मसाजर है ये. So now I'm done with my hair oiling and मेरा eye patch भी अब अच्छे से eye patch भी मैंने हटा दिया है और serum को मैंने अच्छे से अपनी skin में absorb करवा लिया है. So now I have just completed my complete night skincare routine. So आप भी इस तरीके से अपना स्किन केयर कर सकते हो इन द नाइट, सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्किन वेल. एंड now I'm just going to bed and I am feeling very comfortable now. मैंने अपना मेकअप हटा दिया और अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लिया है. सो नाउ आई एम फीलिंग वेरी कम्फर्टेबल एंड रिलैक्स. सो अब मैं अच्छे से सो सकती हूँ. सो मैं ये चीज़ रेगुलरली फॉलो करती हूँ, इसके बगैर मैं नहीं रह पाती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरे फेस पे पूरी रात वही मेकअप, वही डस्ट, वही डर्ट स्किन में रहे एंड देन मेरे को एक्ने ब्रेकआउट्स या और अदर प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाए. सो इफ़ यू वॉन्ट टू अवॉइड इट यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम. एंड आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हो. जो मैंने यूज़ किया अगर आपको वो यूज़ करना है, सो मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो. आई जस्ट एंड दिस वीडियो हेयर नाउ. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर with as many people as you can and like and subscribe to my channel as well and hit the bell icon so that you can easily get the notifications whenever I'll be posting new videos. So yeah, you just keep supporting and that's what all I need. And yeah, thank you, bye bye, take care, have fun and good night, take care, bye.